लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे चल रही थी, आज अपन सीखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बोर्ड की तरफ देखिएगा, परेशान ना होइए। देखो आज अगर हम क्लास नहीं लेते तो हम परेशान हो जाते, तो आज तो हमें लेनी थी और आज हम लंबी लेंगे क्योंकि हमने दो दिन नहीं ली, हम एकदम भड़बड़ाए बैठे हैं। इसीलिए सुनो, नहीं नहीं यही कन्वर्सेशन हुआ, आज दो लेक्चर होंगे बायो के, ठीक है? क्योंकि अगर देखो बात सुनो मेरी बात, ऊपर देखिए ऊपर, जैसे आप भोजन नहीं करते हैं तो आप संतृप्त नहीं होते, वैसे अगर मैं पढ़ाऊँ ना तो मैं पागल हो जाऊँगा, तो इसलिए अब बेटा पढ़ाने देना, बोलना 1% नहीं, सिर्फ सुनते जाओ कहानी। चैप्टर नंबर 6, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। NCERT ने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, अब हटा दिया है आपका बेटा। ओए पहला लेक्चर फोन रख दो बेटा, फोन नहीं चलाया जाता क्लास में, बाद में बतिया लेना कहाँ बैठे हो। हाँ सुनो, अब बात सुनो भाई, फड़फड़ा रहे हैं, सुनो। कहते हैं चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें NCERT ने जनरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू हटा दिया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा हटा दिया, जाइलम और फ्लोएम हटा दिया। सबसे अच्छा जो किया वो जाइलम और फ्लोएम हटा के किया, ठीक है? क्योंकि यहीं पर आपकी थोड़ा सा मामला फंस जाता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे गलत जो किया, सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया, वहाँ हमें बहुत मज़ा आता था। अब सुनना बेटा, ऊपर कॉपी किताबें छोड़िए, पढ़ाने दीजिए, चुप हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखी थी। जब प्लांट को आप बाहर से देखते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, जब प्लांट को हम बाहर से देखते हैं तो हम उसकी क्या देख रहे होते हैं, मॉर्फोलॉजी। जब हम प्लांट को चीर के देखेंगे तो हम उसकी क्या देखेंगे, एनाटॉमी। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एनजीओ स्पर। देखो जितने भी फूल देने वाले प्लांट हैं उन सबको हमने रखा है एनजीओ स्पर्म में। पहले में मॉर्फो देखी, अब इसमें हम देखेंगे एना। ये बताओ मॉर्फोलॉजी अलग अलग एनजीओ स्पर्म की, क्या देखने में मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है? घास भी एनजीओ स्पर्म है, पीपल भी एनजीओ स्पर्म है, लेकिन घास इतनी छोटी और पीपल इतना बड़ा, पीपल में लकड़ा एंड घास विदाउट लकड़ा। तो अलग अलग एनजीओ स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, अलग अलग। अब बात करते हैं एनाटॉमी पे। अगर हम एनजीओ स्पर्म की बात करें तो अलग अलग एनजीओ स्पर्म में सिमिलैरिटी भी है एनाटॉमी में। भाई अगर सिमिलैरिटी ना होती तो क्या ये एक ग्रुप में रखे गए? एक ग्रुप में रखे गए, इसका मतलब सिमिलैरिटी है। लेकिन मैं बोल रहा हूं अलग अलग एनजीओ स्पर्म, अगर मैं बोल रहा हूं अलग अलग एनजीओ स्पर्म तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस। तो बेटा मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंस है और एनाटॉमी में भी डिफरेंस है। अब क्यों डिफरेंस है, लिखना बहुत प्यारी लाइन, एक लाइन में पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी का खत्म होगा। देखो एनाटॉमी का नाम सुनते ही सब आ गए, एनाटॉमी से डर लगता है। कुछ नहीं होती एनाटॉमी, बेहद इंटरेस्टिंग, अभी देखना तुम। देखो डिफरेंट एंजियोस्पर्म, लिखा ब्रैकेट में बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। कहा था एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज मोनोकॉट एंड अदर इज डाइकॉट। डिफरेंट एंजियोस्पर्म ब्रैकेट में मोनोकॉट एंड डाइकॉट हैव सम सिमिलैरिटी। दैट्स व्हाई they were grouped together, उन्हें एक साथ रखा गया। अगर सिमिलैरिटी नहीं होती बच्चों तो क्या एक ग्रुप में रख पाते इनको? बोलते ही नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर ग्रुप टूगेदर इन सेम टैक्सॉन। टैक्सॉन बताया था क्या होता है, बायोलॉजिकल ग्रुप। यहां टैक्सॉन क्या होगा, एंजियोस्पर्म। अब सिमिलैरिटी जो है वो मॉर्फो में भी होगी और एना में भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट एंजियोस्पर्म्स ब्रैकेट में अगेन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, डिफरेंट एंजियोस्पर्म ब्रैकेट में मोनोकॉट और डाइकॉट। एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज मोनोकॉट वन इज डाइकॉट। डिफरेंट एंजियोस्पर्म हैव सम डिससिमिलैरिटी
डिसिमिलरिटी मतलब डिफरेंस, क्या मैं इसे वेरिएशन कह सकता हूं? हैव सम डिसिमिलरिटी, बहुत प्यारी लाइन आ रही भाई साहब, दो दिन की कसर निकालूंगा आज। हैव सम डिसिमिलरिटी ब्रैकेट में, हैव सम डिसिमिलरिटी ब्रैकेट में, और भाई गुटका, बड़ा पसीना पसीना हो गए हो, क्या बात है। हैव सम डिसिमिलरिटी कर लिया, बताओ इसका सिंपैथेटिक काम कर रहा है कि पैरा, सिंपा या पैरा, सिंपा। स्वेटिंग हो रही है ना, बाहर से देख रही है। लिखो, हैव सम डिसिमिलरिटी ब्रैकेट में वेरिएशन, वेरिएशन मतलब डिफरेंस। अरे किसी में याद करो पढ़ाया था टेंड्रिल है, अरे किसी में टेंड्रिल होता है तो किसी में थॉर्न होता है। हैव सम डिसिमिलरिटी ब्रैकेट में वेरिएशन फॉर एडाप्ट इन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बोथ, इन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बोथ। बहुत प्यारी लाइन लिख रहे हो, सब इंक्लूड हो जाएगा इसमें। इन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बोथ, ये बताओ वेरिएशन क्यों है? ताकि अलग अलग एनवायरमेंट में अपने आप को क्या कर पाए, एडाप्ट। भाई सीधी बात है, वेस्ट इंडीज के लोग कैसे हैं, काले, वो अपने एनवायरमेंट में अडाप्ट होने के लिए काले हैं। हम, मैं कैसा हूं, गोरा, हाँ नूरानी गोरा। लिखो, हैव सम डिसिमिलरिटी, लिखा, इन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बोथ फॉर एडाप्टेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट, फॉर एडाप्टेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट। अलग अलग एनवायरमेंट में एडाप्ट होने के लिए, अलग अलग एनवायरमेंट में एडाप्ट होने के लिए सब में क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। फॉर एडाप्टेशन इन डिफरेंट एनवायरमेंट, कर लिया। ऊपर देखिए, ऊपर अगर आप ह्यूमन फिजियो को अलग रखते हैं, जूलॉजी अलग रखते हैं और बॉटनी अलग रखते हैं, तो ट्रस्ट मी आपको बायो आती ही नहीं है। आम तौर पर क्या होता है, जूलॉजी का टीचर अलग होता है और बॉटनी का टीचर अलग होता है। अब इस लेवल पे जाओ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एक कार्डियोलॉजिस्ट को पढ़ाना चाहिए। yes, सीधी बात है। अरे यार, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक न्यूरोलॉजिस्ट को पढ़ाना चाहिए। यार इस लेवल पर ना कोई जूलॉजी होती है ना कुछ बॉटनी होती है, एंड इफ यू कांट कनेक्ट जूलॉजी विद बॉटनी, दैट मींस कि आपको बायो आती ही नहीं है। तो बेटा दोनों को रिलेट करके चला जाता है, क्योंकि दोनों लिविंग है तो दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अभी मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा है, मैं अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस आर्टिकल में था, उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, बांजू शायद, बांजू जगह का नाम। बांजू के लोगों में क्या है कि बताया गया कि उनकी स्प्लीन का साइज बहुत बड़ा है, नॉर्मल लोगों से वो ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। बांजू, बांजू ट्राइब, मतलब बांजू, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बी से ये बांजू, बांजूस कुछ ऐसे करके था, तो उस पर उसको इग्नोर करो। हाँ हट इधर, बांजूस खत्म हो गई, आओ सुनो हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं। बांजूस जो है, यहाँ के लोगों की जो स्प्लीन होती है उसका साइज नॉर्मल लोगों से बड़ा होता है। पता है ये अपने पूरे दिन, ये इनके घर जो होते हैं वो पानी के बीच में बने होते हैं, समझना। ये लगभग दिन में 7 से 8 घंटा पानी में रहते हैं। इनका इनका मतलब सदियों से काम आ रहा है, मतलब सदियों से उनका काम चल रहा है, उनका प्रोफेशन, कोई बात नहीं, इधर देखो, उनका प्रोफेशन ही यही है बांजूस लोगों का कि वो मछलियां पकड़ते हैं, तो मैक्सिमम टाइम उन्हें पानी के अंदर रहना पड़ता है। अब पानी के अंदर ज़्यादा समय तक कब रहोगे, जब आप में आरबीसी की मात्रा ज़्यादा हो या कम, ज़्यादा आरबीसी ज़्यादा तो ऑक्सीजन पकड़ेगी ज़्यादा। और स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन आरबीसी का गोदाम है, नहीं ग्रेवयार्ड है, वो बात सही है, स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान है, ये बात सही है, लेकिन स्प्लीन आरबीसी का गोदाम भी है। अर्थात इमरजेंसी कंडीशन में आपकी स्प्लीन में ढेर सारी आरबीसी भरी रहती है। जैसे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी कानपुर में नहीं होगी? नहीं है, है ना, यहीं पे होगा, कैंट एरिया में होगी इंडियन आर्मी, जाओ मिलाओ। अब सुनो आप, अब वो आर्मी यहां पर किस लिए रखी गई, रिजर्व, इमरजेंसी कंडीशन में यूज होगी। अगर कोई वॉर होगा, मान लीजिए इंडो चाइना वॉर हुआ, पक्का, तो इंडो चाइना वॉर होगा तो ये सारी आर्मी इमरजेंसी में बुला ली जाएंगी। ऐसे ही हमारी बॉडी स्प्लीन में आरबीसी रिजर्व करके रखती है कि जब इमरजेंसी कंडीशन होगी, बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी, तो स्प्लीन से वो सारी आरबीसी निकाल दी जाएंगी। तो बांजूस लोग क्या है,
ये मैक्सिमम टाइम पानी के अंदर रहते हैं, तो वक्त के साथ धीरे 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 इनकी एनाटॉमी में गजब का चेंज हुआ, अर्थात इनकी स्प्लीन का साइज बढ़ गया ताकि वो आरबीसी स्टोर कर सके ज्यादा। अब जब आरबीसी स्टोर करोगे ज्यादा तो इमरजेंसी कंडीशन में आरबीसी निकलेगी भी ज्यादा, ऑक्सीजन पकड़ेगी भी ज्यादा। तो सीधी सी बात है, दैट्स व्हाई बांजूस टाइप की वक्त के साथ अडॉप्ट कर गई, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट उनका क्या कह रहा था, इन्वायरमेंट उनका ये कह रहा था कि भाई तेरे को ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहना है। तो वक्त के साथ धीरे 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 उनमें जीन चेंज हो गए, 25 जीन अलग है जो हमारे पास नहीं है, 25 जीन उनके पास ऐसे हैं जो हमारे पास है ही नहीं। वक्त के साथ इन्वायरमेंट को फेस करते 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 वो जीन उनमें डेवलप हुआ और अल्टीमेटली उनकी एनाटॉमी में क्या आ गया, चेंज। अब एक बात जरा सोचो, ये तो एक एग्जाम्पल था एक एनिमल का, अर्थात ह्यूमन में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि वक्त के साथ क्या हुआ उनमें एडाप्टेशन। एडाप्टेशन किस लिए हुआ, ताकि वो अपने एनवायरमेंट से क्या करें, लड़ सकें। अब अगर हम प्लांट्स की बातें करें तो समझना मेरी बात, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को देखो तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कमल का नाम सुना है, कमल के पत्ते पर पानी कभी रुकता नहीं है, कमल के पत्ते पर कभी पानी रुकता नहीं है, क्योंकि वहां पर एक, देखो नॉर्मल पत्तों पर एक लेयर पाई जाती है क्यूटिकल की, कमल के पत्तों पर क्यूटिकल की लेयर मोटी हो जाती है, ये भी क्या है, एडाप्टेशन, ताकि उनके पत्ती, उनका पत्ती पानी में भीग के कहीं कटे फटे ना। तो अलग अलग प्लांट ने एडाप्टेशन किया, क्योंकि अलग अलग प्लांट अलग अलग जगह पे रह रहा है, कोई प्लांट जंगलों में रह रहा है तो कोई प्लांट जो है, सीधी सी बात, जो कैनोपी वाले प्लांट्स होते हैं, कैनोपी वाले प्लांट कहने का मतलब छायादार प्लांट, कोई प्लांट उनके नीचे उग रहा है, कोई आपका दलदल में उग रहा है, कोई प्लांट आपका पानी में उग रहा है एक्वेटिक है, और कोई आपका रेगिस्तानी मिट्टी में उग रहा है। तो अलग अलग प्लांट को अलग अलग इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ रहा है, और अलग अलग इन्वायरमेंट का अगर उन्हें सामना करना है तो उनमें वेरिएशन होना जरूरी है। गॉट इट? अब दोनों लाइन पढ़ो, पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है, पानी देना पानी। सेम ग्रुप में क्यों रखा गया, क्योंकि इनमें क्या है, सिमिलैरिटी। और अलग अलग क्यों किया गया, क्योंकि इनमें क्या है, डिससिमिलैरिटी। और अलग अलग क्यों है उसका रीजन पढ़ लो, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग एडाप्टेशन की क्या होगी, नीड। बोल की तरफ देखिए, कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, बहुत सुंदर डायग्राम बनेगा, इधर देखिएगा। अगर मैं एक प्लांट की बात करूं, याद करो जब मैं फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो उस समय मैंने एक प्लांट लाया था और उसको छील कर तुम्हें जाइलम और फ्लोएम ये सारी चीजें दिखाई थी। जो लोग नहीं देखे परेशान ना हो, मैं दोबारा दिखा दूंगा, मैं बार बार दिखाने के इच्छुक हूं। हाँ सुनो तो, हाँ आप और क्यों, वही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लो ये किसी प्लांट की डंठल है, क्या है, डंठल। तो देखो प्लांट में तीन तरीके का टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। जो सबसे बाहर टिश्यू सिस्टम होगा वो कहलाएगा एपिडर्मल। अगर आप किसी स्टेम को छू रहे हैं, अगर आप किसी लीफ को छू रहे हैं, अगर आप किसी रूट को छू रहे हैं, तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, एपिडर्मल। ये बताओ जो सेल सबसे बाहर होगी उसे पूरा प्लांट कवर करना होगा, प्लांट तो बहुत बड़ा है साइज में, पूरा प्लांट। याद करो जब न्यूरॉन पढ़ाई थी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो मैंने आपको ये सिखाया था कि न्यूरॉन क्यों लंबी होती है, क्योंकि न्यूरॉन को पूरी बॉडी कवर करनी होती है, ब्रेन से चलेगी। और मैंने कहा था कुछ न्यूरॉन ऐसी भी हैं जो ब्रेन से शुरू होती हैं और पैर के अंगूठे तक होती हैं, इतनी लंबी न्यूरॉन। न्यूरॉन लंबी किस लिए थी, ताकि वो आपकी बॉडी के मैक्सिमम पोर्शन को क्या कर ले, कवर। अब आप मुझे, आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, ये बताइए, जो सबसे बाहर होगा, जो सबसे बाहर होगा, जो सेल सबसे बाहर होंगी, उन्हें लंबे से पूरे प्लांट को कवर करना पड़ेगा। तो उन सेल को लंबा किया जाए कि छोटा, क्यों लंबा कर रहे हो, क्योंकि सर पूरे पूरे प्लांट को कवर करना है। और सर अगर पूरे प्लांट को कवर नहीं करेंगी, जैसे स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर की है, ऐसे ही पूरे प्लांट को उन्हें कवर करना है। दैट्स व्हाई ये कैसी होंगी, लंबी लंबी। इसके साथ में सुनना मेरी बात गौर से, अगर एक बात सोचिए, रटना है नॉट मी, रटना है क्या, सोचो ना यार क्यों लंबी होंगी, क्योंकि पूरा प्लांट कवर करना है। दूसरी बात ये बताओ, आपकी स्किन का सबसे मुख्य काम क्या है, कि बैक्टीरिया वगैरह सीधे स्किन के, सीधे बॉडी के अंदर ना घुसे। तो बताओ सबसे बाहर वाले टिश्यू सिस्टम का काम क्या होगा, ताकि इन्फेक्शन ना हो, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस सीधे प्लांट के अंदर एंट्री ना करे। तो आप क्या चाहेंगे, जो लंबी लंबी सेल्स हैं वो आपस में, क्या बोला, वो जो लंबी लंबी सेल्स हैं वो आपस में लूजली पैक्ड हो, दूर दूर रहे, कि कॉम्पैक्टली, काहे कॉम्पैक्टली, ताकि बैक्टीरिया ना घुसे। आप क्या चाहेंगे, वो लेयर कंटिन्यूअस हो कि बीच में टूटी टूटी हो,
अभी हेडिंग तक नहीं डली है, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म अभी नहीं बेटा, बहुत लंबा होता है। अच्छा अगला, अब समझना बेटा, अगर मैं रूट को काट के देखूं या स्टेम को काट के देखूं, काट के अगर हम सामने से देखेंगे तो हो पत्ता। आओ अब इधर देखो, बोर्ड की तरफ इधर देखो, एनसीईआरटी सब अलग अलग करके पढ़ाती है, ठीक है, वो तरीका सही नहीं है। एक डायग्राम बनाऊंगा और एक ही डायग्राम में सारी बातें हो जाएंगी, एक डायग्राम में 3 पेज का कंटेंट आएगा, सुनते जाना, ये मेरा पर्सनल आविष्कार है। पहले बताओ सेल लंबी रखेंगी छोटी, सबसे बाहर वाली लेयर पढ़ा रहे हैं, अभी अंदर की बात मत करो हमसे, पहले सबसे बाहर वाला सिस्टम समझो। ये मान लो लंबी लंबी सेल्स हैं, कैसी लंबी लंबी लंबी, ज्यादा लंबी होगी थोड़ी छोटी, लंबी 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 लंबी, अरे भैया लंबी लंबी, अरे भैया लंबी लंबी, अरे भैया लंबी लंबी, कॉम्पैक्टली पैक की लूजली पैक, कॉम्पैक्टली पैक, सुनते जाना बेटा, लंबी लंबी लंबी, बदतमीजो इधर, अरे सर 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 आइए सर, आप ही के इंतजार में तो क्लास हो गया बेटा, अब सामने देख, ये एपिडर्मिस है, समझना, ऊपर ऊपर, ओए भाई सुने मेरी बात सुनो, एपिडर्मिस अलग बात है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अलग बात है, कायदे से सुन लो मेरी बात, ये सेल्स की लेयर आपकी क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस, सुनना मेरी बात, सेल्स की लेयर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अभी और चीजें आएंगी, एपिडर्मिस लेयर का नाम है। ये बताओ अभी मैंने बोला था कि लेयर कंटिन्यूअस होती है, और सर ये जो बीच बीच में आप बिलपुक्का छोड़े हो, अरे ये जो बीच बीच में बिलपुक्का है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, नहीं है, समझो मेरी बात बेटा। एक बात बताओ, पत्तियों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर बिलपुक्का नहीं होगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुस पाएगी। अब सुनो मेरी बात, मैंने इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखते जाना और सीखते जाना। एक कहलाएगा आपका, एक कहलाएगा रूट, एक कहलाएगी स्टेम, एक कहलाएगी स्टेम और एक कहलाएगी लीफ। आराम से सुनिएगा, रटिएगा बिल्कुल नहीं, समझना मेरी बात। ये रूट की एपिडर्मिस, जो सुनो मेरी बात, प्लांट को जब तुम बाहर से छूओगे तो आप उसकी क्या छू रहे हो, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर का नाम है भाई। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कई चीजें आएंगी, एक एक करके बताऊंगा। अब ये बताओ, मैं कह रहा हूं लीफ और स्टेम और रूट, इनमें बताओ कौन है जिसका सामना सनलाइट से हो रहा है, और स्टेम क्या जमीनिया के अंदर रहती है क्या, स्टेम और लीफ दोनों का सामना किससे हो रहा है, सनलाइट से। अगर सनलाइट से सामना हो रहा है, और मैंने पहले लेक्चर में बोला था, लेक्चर नंबर वेरी वन, हर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में 2 चीजें बचा कर रखना चाहता है, वाटर और एनर्जी। कोई भी ऑर्गेनिज्म वाटर और एनर्जी वेस्ट, कोई ऑर्गेनिज्म वाटर और एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता। अब भैया सनलाइट सीधे पड़ती लीफ पे, सीधे पड़ती स्टेम पे, तो सीधी बात है यहां से सेल से क्या होगा, वाटर लॉस। अब ये बताओ, वाटर लॉस रोकना है अगर, तो मेरा मानना है सर किसी ऐसी चीज की लेयर चढ़ा दो, किसी ऐसी चीज की लेयर चढ़ा दो जिससे पानी क्रॉस ना हो पाए। पानी किसको क्रॉस नहीं कर सकता, तेल को। पानी और लिपिड आपस में क्या है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। तो हमने एक वैक्स की लेयर चढ़ा दी ताकि जब सनलाइट से सामना हो तो वाटर का लॉस ना हो। अब मेरी बात सुनना, स्टेम का भी सामना होता है, लेकिन ये बताओ स्टेम और लीफ में किसका सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया समझते हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एरिया जो उसकी क्या बनाता हो, सरफेस। स्टेम और लीफ में समझना, स्टेम और लीफ में आपने कहा लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा, तो ज्यादा सनलाइट फेस कौन करेगा, बोलते नहीं हो यार, लीफ ज्यादा फेस करेगी, ज्यादा वाटर लॉस का खतरा किसको, इस वजह से लीफ में ये वैक्सी लेयर मोटी होगी और स्टेम में ये वैक्सी लेयर पतली होगी। क्या ये बात एकदम क्लियर है, लॉजिकली क्लियर है कि रट्टा मार रहे हो,
कैसे? लॉजिकली। सर 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 रूट में भी चढ़ा दो क्यों? सर सर रूट बेटा सुनो तो ए ए ए ए ए एक बार बस इधर ये बताओ बेटा, अगर सनलाइट लीफ और स्टेम पे पड़ती है, इस वजह से तुमने ऊपर वैक्सी लेयर चढ़ा दी ताकि पानी बाहर ना निकल पाए, तो ससुर अगर पानी बाहर नहीं निकल पाएगा ना तो पानी अंदर भी नहीं जाएगा। बोलो यार। और रूट का ससुर काम है वाटर और मिनरल क्या करना है, एब्जॉर्ब। तो बताओ इस पर क्यूटिकल चढ़ाए या ना चढ़ाए? ओके 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 आइए सीखिए। तो लीफ पर मैंने लिखा ये क्या है, थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल कैसी होगी? मोटी। ये वाटर लॉस कराएगा या रोकेगा? वैक्सी लेयर होती है ये तो दिमाग में रहेगा ना। थिक क्यूटिकल प्रिवेंट्स प्रिवेंट्स वाटर लॉस। H2O को ही वाटर बोलते हैं, प्रिवेंट वाटर लॉस। और वहीं पर स्टेम पर इसको मैं क्या बोल दूंगा? थिन क्यूटिकल। थिन क्यों बोला? वाह कहा दिया, क्योंकि पतली लेयर है, क्योंकि यहां से वाटर लॉस होने के चांसेस कम, क्योंकि सरफेस एरिया कम। तो यहां पर क्यूटिकल कैसी कर दिया? पतली पतली। यहां तक बात क्लियर हो तो सब लोग आ। रूट में मैं लिखूंगा क्यूटिकल एब्सेंट, क्यूटिकल एब्सेंट। आओ बेटा इधर इधर बोर्ड की तरफ। रट रहे हो कि समझ रहे हो? एनाटॉमी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं। अगर द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट किताब मैंने ना पढ़ी होती तो मैं खुद इसे इतना कंसेप्चुलाइज ना कर पाता। उस किताब ने आंखें खोल दी मेरी कि हाँ हाँ, अरे खुल तो बचपन में गई थी आंखें, मतलब एनाटॉमी को देखने का। देखो जो बड़े बड़े राइटर हैं, ठीक है, कैम्बल हैं, जॉय हैं, ये जो बड़े बड़े राइटर हैं, इनकी किताबें बड़ी क्यों हैं? वो क्या बड़े बड़े राइटर क्या क्यूटिकल को कुछ और लिख देंगे क्या? वो उसी चीज को वो 100 बात नहीं करते, समझना। जितनी भी महान किताबें रही हैं आप बस उनका इंट्रो पढ़ लो, इंट्रो में ही वो सारी बात कह देते हैं। कैथरीन इशू की जो किताब है द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, तो मैंने पढ़ी 2013 में भाई, पढ़ी तो मतलब एनाटॉमी देखने का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने एक पेज उसमें लिखा है बेसिक्स टूल्स, बेसिक्स टूल्स टू ग्रैब, ग्रैब मतलब पकड़ना। अरे यार इधर बेसिक टूल्स टू ग्रैब प्लांट एनाटॉमी। वहां पर बड़ी प्यारी प्यारी बातें गई। एक बात मैं अब उनकी बोलने जा रहा हूं, अच्छे से सुनना। कैथरीन इशू लिखती हैं, कहती हैं कि साहिल सर अपने नहीं मुझसे कहती हैं, कहती साहिल सर आप एक काम करिएगा, अपने बच्चों को ये बता दीजिएगा कि तीन प्रकार की सेल होती हैं प्लांट में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा। मैं कहा ये मेरे को पता चल, मेरे को ये ना बता, कुछ नया बताओ। कहते तीन सेल होगी प्लांट में, चाहे कोई प्लांट हो, एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, एनजीओ हो, प्लांट कोई भी हो, सेल कितनी होंगी? तीन। नाम ले ले बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा। 90% सेल्स प्लांट में पैरेन्काइमा है। बड़ी सुंदर बात बोलने जा रहे हैं, 90% सेल प्लांट में कौन सी है? पैरेन्काइमा। तो बच्चों को कभी ये याद ही मत कराना कि कौन सी सेल पैरेन्काइमा है, बच्चों को याद कराना कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नहीं समझ पाए मेरी बात? जब 90% सेल पैरेन्काइमा है, कोलेन स्क्लेरेन हमें याद है कौन कौन है, तो सीधी बात है बाकी बची पैरेन्काइमा। एपिडर्मिस क्या है? बोलते ही नहीं हो यार। जब नहीं पता है आंख बंद करके बोलो पैरेन्काइमा। एकदम क्लियर ये बात? इधर नहीं, बाकी मैक्सिमम किताबें लिख देती हैं कि लीफ की क्यूटिकल मोटी होगी, स्टेम की क्यूटिकल पतली होगी, हमें कोई बात हुई? कैथरीन इशू ने पता नहीं कैसे कैथरीन ऐसा कर लिया, शायद दिमाग थोड़ा ऊपर आ गया हो। कैथरीन इशू, हाँ कैथरीन इशू, फोटो देखो तो समझ में नहीं आएगा क्या थी। अब समझना, कैथरीन इशू हर बात को कॉन्सेप्चुलाइज करके बोली। उन्होंने कहा लीफ पे अगर क्यूटिकल मोटी तो क्यों मोटी? पहले क्यूटिकल है क्यों? ताकि वाटर का लॉस रुक सके, क्योंकि इनका सामना होता है सनलाइट से। फिर लीफ पे क्यूटिकल मोटी क्यों? स्टेम पे क्यूटिकल पतली क्यों? क्योंकि लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा तो वाटर लॉस होने का चांसेस ज्यादा। क्लियर हो तो आ जाओ।
इधर ना मुन्ना ना ना बेटा ना, ये कौन सी सेल है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कंटिन्यूअस, 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 कंटिन्यूअस लेयर। ये बताओ बैक्टीरिया घुसने में मदद करेगी? रोकेगी, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। ये बताओ सिंगल लेयर है कि डबल लेयर है? सिंगल, यूजुअली सिंगल लेयर ही होती है, यूजुअली सिंगल लेयर। अब एक बड़ी प्यारी लाइन लिखने वाला हूं 1 करोड़ रुपए की, सुनो। दो शब्द क्लियर कर लो, अगर ये दो शब्द क्लियर नहीं है बात आगे नहीं हो पाएगी, बात को यही लगाम लगाना पड़ेगा। दो शब्द सुनना, एक शब्द कहलाता है प्राइमरी, एक शब्द कहलाता है सेकेंडरी। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा बात आगे नहीं होगी। प्राइमरी का मतलब होता है लंबाई, लंबाई से रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए तो क्या होगा? प्राइमरी। ये प्राइमरी मतलब पहले या बाद में? पहले। पहले बताओ प्लांट लंबाई में बढ़ेगा कि चौड़ाई में? कॉमन सेंस है, ऐसा कोई प्लांट नहीं होता है कि सीड फटे और तना निकले इतना बड़ा। भाई पहले प्लांट किसमें बढ़ेगा? लंबाई में। चाहे जितने लंबे चौड़े प्लांट हो पहले तुम किसमें बढ़ोगे? लंबाई। तो लंबाई से जुड़ी सारी चीजों के लिए, अम्मा लंबाई से जुड़ी सारी चीजों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है प्राइमरी। सुन लो अच्छे से मैं बोल रहा हूं, लंबाई से जुड़ी सारी चीजों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है प्राइमरी, चौड़ाई से जुड़ी सारी चीजों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है सेकेंडरी। ए सेकेंडरी क्यों बोला? बाद में, क्योंकि चौड़ाई आएगी बाद में, लंबाई आएगी पहले। तो लंबाई से जुड़े के लिए क्या होगा? प्राइमरी, चौड़ाई से लिए सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ लंबाई या चौड़ाई? सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा लिखो मत भैया इसे, 10 जगह आएगा ये। लंबाई के दौरान जो जाइलम बनेगा प्राइमरी जाइलम, और चौड़ाई के दौरान सेकेंडरी जाइलम। रटना ही नहीं है, लंबाई के दौरान, रुक जाओ, लंबाई के दौरान जो फ्लोएम बनेगा वो प्राइमरी। हमें पता है तुम कुछ नहीं सुन रहे हो, तुम बस लंबाई सुने नहीं प्राइमरी ठेल दिए। अब तुम ये सुन लो कि सर शब्द क्या बोलने, जाइलम या फ्लोएम? चौड़ाई के दौरान जो फ्लोएम बनेगा वो सेकेंडरी। पता नहीं क्या बोलने वाला हूं, मुझे खुद नहीं पता, बाद में आएगा। लंबाई के दौरान लंबाई के दौरान जो मेडुलेरी रे बनेगा वो क्या है? प्राइमरी। और चौड़ाई के दौरान जो बनेगा वो सेकेंडरी। बोलो भैया, देख रही हो कैसे नमूने हैं? क्या प्राइमरी और सेकेंडरी एकदम क्लियर हो गया है? एक बात बताओ, प्लांट जब सुनो तो, सुनते ही नहीं मेरी बात। हाँ सुनो तो यार, चौड़ाई के इधर देखो भाई साहब, डर गए थे हम भी। दो दिन से नहाया नहीं हूँ, पिछले 15 दिन से इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया कि पूछो नहीं। नहा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, और भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सिर्फ पढ़ा रहे हैं और बुक बनाए जा रहे हैं। इधर सुनो, प्लांट अंदर से ग्रोथ करेगा या बाहर से? जब अंदर सेल डिवाइड करेगी, हाथ देखो बेटा, सब हाथ का खेल है। जब अंदर सेल डिवाइड करेगी, जब अंदर से देखो क्या पहन के आ रहे हैं आजकल, देख रहे हवाई चप्पल, भाई साहब ध्यान है, स्मार्ट लग रहे हैं, तुम्हें लग रहे हैं, ये गलत बात है। सुनो, जब प्लांट चौड़ाई के दौरान बढ़ेगा, सुनो तो, जब चौड़ाई में बढ़ेगा सेल डिवाइड करेगी तो बाहर वाली लेयर पे लगेगा प्रेशर। अच्छा तुम लोग मेरे बोलने का तरीका पकड़ लियो ना, तो बाहर वाली लेयर पे लगेगा, पता चल जाता है प्रेशर। इधर देखो, अब कुछ लोग कहेंगे सर बॉयल्स लॉ नहीं लग रहा, यहाँ तो वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम होना चाहिए था, यहाँ तो पटक के मारेंगे, सही जगह लगाओ बॉयल्स लॉ। इधर अब यहाँ पर अंदर सेल डिवाइड कर रही है, चौड़ाई में बढ़ेगी लंबाई में? चौड़ाई में। तो मेरा मानना है एपिडर्मिस पे क्या लगेगा? प्रेशर। जब प्रेशर लगेगा तो एपिडर्मिस ऐसे बनी रहेगी कि फट जाएगी। तो बेटा अगली लाइन सुनो, बहुत प्यारी है। फाउंड इन प्राइमरी प्लांट बॉडी,
प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब लंबाई के दौरान, कोई चौड़ाई के दौरान एपिडर्मिस क्या होगी, फट जाएगी। पहले कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। अगर ये बताओ मेरी प्राइमरी प्लांट बॉडी की सेकेंडरी, बोलो होल सोल प्राइमरी, आशीष सर की प्राइमरी विथ सेकेंडरी, प्राइमरी विथ ओवर सेकेंडरी है ना, फाउंड इन प्राइमरी प्लांट प्लांट बॉडी। क्या ये बात क्लियर है भैया? क्या बेटा इतना लिख लिया है? एक काम करना, दो पेज लेना, दो पेज, दो नहीं 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 गलत बात, एनसीईआरटी मत बनाओ, कोई बात नहीं, दो पेज लेना ठीक है, और बड़ा बनाना, लिखने का बहुत सारा जगह छोड़ना ठीक है, लिखने का जगह इसलिए छोड़ना क्योंकि बहुत कुछ लिखना है, एक ही डायग्राम में सब खत्म करना है, गॉट इट, रूट भी स्टेम भी और लीफ भी, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसको छापिएगा। कंटिन्यूअस और अच्छा कंटिन्यूअस सिंगल लेयर, कंटिन्यूअस बेटा बात मत कीजिए, कंटिन्यूअस सिंगल लेयर ठीक, एक पॉइंट की जगह छोड़ना इसमें, अब छापो। कहते हैं ऊपर ऊपर, हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे आप हमें, हमसे आप से पूछ रहे हैं, एपिडर्मिस और उसके अंदर का माल बताओ, कौन कहां से पानी का लॉस होने का खतरा ज्यादा है? मैं कह रहा हूं एपिडर्मिस या अंदर का माल, कहां से वाटर लॉस होने का खतरा ज्यादा है? अरे तुम लाख क्यूटिकल बना लो, थोड़ा बहुत वाटर का लॉस होगा, उसको उस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढना चाहिए कि एपिडर्मिस को पानी की कभी कमी ना पड़े। एपिडर्मिस में बड़े बड़े पाए जाते हैं थैले, और इन बड़े बड़े थैलों को बोलते हैं वैक्यूल, क्या बोलते हैं वैक्यूल, इन्हीं के अंदर पानी स्टोर्ड रहता है कि कभी इमरजेंसी कंडीशन आएगी अगर, तो इन्हीं वैक्यूल से सेल क्या ले लेगी, पानी। बड़े वैक्यूल किसी भी सेल में पाए जाएंगे तो क्यों पाए जाएंगे, प्लीज सुनिए मेरी बात, वैक्यूल क्या होता है, एक तरीके से प्लांट का स्टोर हाउस है, अर्थात एक तरीके से प्लांट का गोदाम है। प्लांट की सेल्स में वैक्यूल, आपको आपको आगे पढ़ाऊंगा, प्लांट की सेल्स में वैक्यूल बड़े पाए जाएंगे, एनिमल्स की सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं या एब्सेंट होते हैं, रीजन पता है, बिकॉज प्लांट कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर, प्लांट को अगर इमरजेंसी पड़ी तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, इस वजह से वो अगर कभी भी उसे अच्छी चीज मिलती है तो वो स्टोर करके किस में रख लेता है, वैक्यूल। बट एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर, तो एनिमल डोंट नीड टू स्टोर सच काइंड ऑफ थिंग्स। लिखो, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, जो चीज हिंदी में वो चीज हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती भी है तो दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर, फुल स्टॉप। इमरजेंसी कंडीशन में प्लांट वैक्यूल में स्टोर्ड माल, अब वो पानी हो, मिनरल हो, जिस चीज की कमी पड़ी हो, समझ गए मेरी बात, वैक्यूल में स्टोर्ड माल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स को वैक्यूल की कोई खास आवश्यकता नहीं है बिकॉज उनकी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है तो वो लोकोमोशन करके उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में क्योंकि सीधी बात है सनलाइट का सामना सीधे किसका होगा, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस को आवश्यकता है कि वो पानी को क्या रखे, स्टोर, दैट्स व्हाई एपिडर्मिस में वैक्यूल का साइज क्या होगा, बड़ा। अब अच्छा सोचिए, आप लोग एक सेल में बैठे हैं, ऊपर कॉपी किताब छेड़े, ऊपर ऊपर छोड़ी छोड़ी, ऊपर देखिए, ये पूरा क्लास नहीं एक सेल है, सेल के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म, और अगर मान लो बीचों बीच एक गुब्बारा है, गुब्बारे का साइज बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, तो मेरा मानना है साइटोप्लाज्म किनारे चला जाएगा। आप बात ही नहीं समझ पाए मेरी बात का, अगर मान लो बीचों बीच एक गुब्बारा है, वही गुब्बारा क्या है, वैक्यूल, जैसे गुब्बारे में एक लेयर होती है वैसी वैक्यूल में एक लेयर होती है, बिल्कुल गुब्बारे जैसा, अगर गुब्बारे का साइज बढ़ता जाएगा तो चारों तरफ का साइटोप्लाज्म पेरी फेरी पे चला जाएगा या सेंटर पे आ जाएगा, खत्म। इधर देखिए, लार्ज वैक्यूल, लिखिए लिखिए लिखिए, लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, दैट्स व्हाई
फाइटोप्लाज्म। समझते जा रहे हैं, सेल लंबी होगी, कंटिन्यूअस होगी, कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी, ये भी पॉइंट बना लो। हाँ, लिखा है लार्ज वैक्यूल, दैट्स व्हाई पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल, दैट्स व्हाई पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल, दैट्स व्हाई पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। इसे और अच्छा, कंटिन्यूअस सिंगल कॉम्पैक्टली पैक लेयर, और अच्छा कॉम्पैक्टली पैक्ड लेयर। हो गया, हो गया। अब एक पॉइंट बना के लिखिए अलग से, नोट पॉइंट है, स्टोमा, STOMA, स्टोमा, STOMA, स्टोमा क्या होता है, STOMA, स्टोमा इज सिंगुलर ऑफ, एक वचन बहुवचन समझते हो ना, इस सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा, एक स्टोमेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमा, और बहुत सारे स्टोमेटा हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्टोमेटा, बहुत सारे स्टोमा है तो, स्टोमा इज सिंगुलर ऑफ स्टोमेटा, कर लिया। क्या हम ये भी बोल सकते हैं स्टोमेटा इज प्लूरल ऑफ स्टोमा? अरे बताओ यार, बोल की तरफ देखो बेटा, इधर देखो, इधर 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 बोर्ड की तरफ, मुन्ना ध्यान दो, इधर आओ, इधर आओ बेटा। ये बताओ लीफ और स्टेम में, कहो सीधा सीधा रटा दे, इतना कंसेप्चुलाइज कर दिया, देखो हर चीज, बोलो थैंक यू, बोलो अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके, नहीं आई लव यू नहीं है, इधर आओ, आई लव यू कहने के लिए एक है बहुत है, इधर कहती कहती तो नहीं लेकिन, लीव और स्टेम, कितना मजा आ गया, एनाटॉमी के अलावा कोई बात कर लो, इनकी पूरी एनाटॉमी खुश हो जाती है। लीव और स्टेम बताइए, दोनों में फोटोसिंथेसिस करना मेन काम किसका है? अच्छा, तो क्लोरोप्लास्ट किसके पास ज्यादा होगा? किसके पास? पक्का? आपको एक बात बताएं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड घुसने के लिए छेद चाहिए, तो बताओ छेद किसके पास ज्यादा, लीफ या स्टेम? लीफ के पास स्टोमेटा ज्यादा, स्टेम के पास स्टोमेटा कम। तो मैं लिखूंगा, मैं तो लिख डालूंगा, लिख दिया मैंने, स्टोमेटा ज्यादा और स्टेम के पास स्टोमेटा कम, और रूट के पास स्टोमेटा, स्टोमेटा स्टेम के पास कम। रटना ही नहीं है भैया, सुनना है, हो गया। कितने लोग ये मानते हैं कि चूल्हा जलाते हैं तब खाना बनता है, चूल्हा जलता है तो खाना बनता है, जो लोग मानते हैं हाथ ऊपर करें। आप लोग क्या जलाती हैं? जब आप घाव भाई गैस जब जलती है तो क्या बनता है? खाना। पक्का? ऊपर देखिए ऊपर, अगर खाना जल्दी बनाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बम फेंक दीजिए, धीरी आंच पे पकाएं वरना दाल को जलता पाए। तो देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, ये बात सही है, समझना मेरी बात। अगर कोई कहे मुझे डोसा बहुत पसंद है तो ये नहीं एक ट्रक भर खा लोगे, उतना ही खा पाओगे कि बस तुम्हारे लास्ट पोर तक वो भर जाए, समझो, बस उतना ही मैक्सिमम खा सकते हो कि पूरी पूरी 9 मीटर लंबी सुरंग भर जाए, उसके बाद खाओगे तो इधर अंदर उधर बाहर। ऐसा मैं नहीं कह रहा बेटा, भाई कहती है, मैं नहीं कहता हूं। तो कहते हैं सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं चाहिए
कि हमारी सेल जल जाए, हमारा क्लोरोफिल जल जाए, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब। ये सब मत करना यार, बात सुन, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं चाहिए कि हमारा क्लोरोफिल जो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब। अच्छा याद करो, आजकल सोलर पैनल लगते हैं, सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पता है ना ये बात। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि सोलर पैनल को ले जाके सीधे सूर्य में डाल दो, सीधे सन में डाल दो, इतना भी सनलाइट नहीं चाहिए कि सोलर पैनल ही जल जाए, बातें खत्म हो जाए। ऊपर सनलाइट बहुत तेज पड़ रही होगी, ऊपर सनलाइट बहुत तेज पड़ रही होगी, अगर ऊपर सनलाइट बेहद इंटेंस पड़ रही होगी, तो मेरा ऐसा मानना है भाई साहब कि अगर एपिडर्मिस में आपने क्लोरोप्लास्ट रखा तो क्लोरोप्लास्ट जल जाएगा। तो बताओ एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बताओ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? एकदम क्लियर है बात, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट आपका अब्सेंट होता है। इसका एक फायदा है, फायदा पूछो क्या है, पूछो क्या है? देखो बेटा, सनलाइट कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन अगर सनलाइट एक सेल को क्रॉस करके जाएगी ना, तो लाखों मॉलिक्यूल से टकरा के जा रही है। मेरी बात सुनो, बड़ी बहुत 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 मन से पढ़ा रहा है। सनलाइट अगर एक सेल को क्रॉस करके गई, तो सेल के अंदर लाखों मिनरल, लाखों आयंस, उनको क्रॉस करके अंदर जा रही है। तो बताओ अंदर जाते हो इंटेंसिटी कम होगी या ज्यादा? बोलो यार, कोई चीज लाखों मॉलिक्यूल टकरा के जा रही है, तो बताओ कि इंटेंसिटी सनलाइट के अंदर जाते वक्त कम होगी या ज्यादा? कम। और ज्यादा? अबे यार, लाख मॉलिक्यूल क्रॉस करके जा रही है यार। मान लिया एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं रख सकते, एपिडर्मिस रखोगे क्लोरोप्लास्ट जल जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रखने का यार। लेकिन अंदर तो भाई जो सेल है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे लीफ की, तो भाई अंदर जब, बात नहीं समझे, ऊपर रखोगे क्लोरोप्लास्ट, पहली लेयर में रखोगे तो जल जाएगा कंफर्म, लेकिन जब सनलाइट इस लेयर को क्रॉस करेगा तो क्रॉस करते वक्त लाखों मॉलिक्यूल से टकराएगी, सनलाइट की इंटेंसिटी ठीक ठाक क्या हो जाती है, कम। मीजो मतलब क्या हुआ, और फिल मतलब, बोलते ही नहीं हो यार, कभी पत्ती को छुआ है, ऊपर से छुआ है कि नीचे से छुआ है? ऊपर और नीचे जो तुम छूते हो ना, वो एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस। पत्ती के बीचों बीच जो सेल भरी होगी, मीजो मतलब बीच में, फिल मतलब पत्ती, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, मीजो फिल। क्या ये बात एकदम क्लियर? अब भैया अंदर सनलाइट आ रही है, प्लीज सुनना बहुत अच्छे से, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट रखने का कोई लॉजिक था ही नहीं, क्लोरोप्लास्ट जल जाएगा, लेकिन अंदर क्लोरोप्लास्ट हम रखेंगे वरना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन साला अंदर आते आते सनलाइट का इंटेंसिटी क्या हो गया है, कम। तो आप क्या चाहेंगे, इन सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रखे हैं वो, उनकी दीवारें पतली हो या मोटी हो? मोटी। अरे जितनी पतली लेयर होगी उतनी आसानी से लाइट क्या कर जाएगी, क्रॉस। पहले लॉजिक पकड़ पाए, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं रखा, जल जाएगा। अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रखे हैं पत्तियों में, वो थिन वॉल्ड क्यों है, क्योंकि अंदर आते वक्त इंटेंसिटी हो गई है कम। अब कम इंटेंसिटी हो गई है, अब क्लोरोप्लास्ट भी तो मोटा कर दो, तो फिर बेटा क्या लाइट अंदर पहुंच पाएगी प्रॉपर? नहीं। तो खत्म। मीजोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कैसा होगा, थिन वॉल्ड। कैसा भैया? थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। मजा आ गया, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल। देखते जाइएगा और सीखते जाइएगा, अंत में पूरा डायग्राम दे दूंगा, परेशान मत होइएगा। आइए इधर देखिए भाइयों बहनों, सामने देखो, ए एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं है, जल जाएगा, और अंदर थिन वॉल्ड क्यों है, इंटेंसिटी क्या हो गई है, कम। एकदम क्लियर है मक्खन की तरह। अब सुनो मेरी अगली बात, बहुत सुंदर, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग, स्टोमेटा कहते किसको एक्चुअली में, आप स्टोमा, स्टोमेटा, स्टोमेटल ऑपरेटस, इन सब और स्टोमेटल अपर्चर, इन चारों चीज को एक मान लेते हो। पहले दो शब्द तो मैंने क्लियर कर दिए आज, कि जो स्टोमा है वो एक स्टोमेटा को बोलते हैं, सारे को क्या बोल देंगे, स्टोमेटा। पक्का सारे स्टोमा मिलके क्या कहलाएंगे, स्टोमेटा।
आप कंफ्यूज हो जाते हो स्टोमा स्टोमेटा स्टोमेटल एपर्चर और स्टोमेटा में, और इन शहरों को आप एक मान लेते हो और चीजें हो जाती हैं गलत। अब क्लियर कट सुनना मेरी बात, ये जो छेद दिखाई दे रहा है इस छेद को बोलते हैं स्टोमेटल एपर्चर। एपर्चर का मतलब क्या होता है? छेद। अब चाहो तो पोर बोल दो, चाहो तो एपर्चर बोल दो, एक ही बात है, लिखो मत ओ पागल औरत। हाँ, स्टोमेटल एपर्चर पक्का। ये बताओ, हमने बड़े बड़े होटलों में देखा है, हम गए तो नहीं लेकिन बाहर से देखा है इधर। हाँ और क्या, एक बार हम गए थे होटल ताज, अंदर नहीं गए थे बाहर से, नहीं अंदर पता चला हमको, वो डिग्री बता दिया क्या 500 रुपये चाय मिलती है, हमको 500 की चाय, यहाँ 500 तुम पूरा काका देव चाय पिला दे, हम 500 की चाय, अरे धक्का लग गया। और हम फिर जानते हैं ये लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, रोजैतो विद मुजैतो है ना, आएगा दो समोसा एक लाल चटनी, मतलब कुछ भी नाम रख देते, लंबा सा अंग्रेजी नाम रख देंगे, देखा होगा ना, नक्सन भजी प्रिपोंजा, आएगा कुछ नहीं बेटा, आएगा भुट्टे का दाना नमक लगा के, अलग है का फाइव स्टार में, अरे भागो, इससे अच्छा देसी खाना खाओ, मजा आता है उसमें, प्याज मंगाओ, लाल वाला चटनी मिलेगा। अब सुनो सुनो हमारी बात, हम खाने के बहुत शौकीन है भाई साहब, बहुत खाते हैं, आओ तभी ये हाल है इधर। अब जाता कहाँ ये तुम बताओगे, सुनो हम क्या कह रहे, क्यों बताइए बात, खाना स्टेम चल रही थी, रूट चल रही थी, मेजोफिल, कोई बड़ी सुंदर बात आने वाली थी, ताज क्यों बताए, कोई बात होगी, हाँ आ गया। सुनो, स्टोमेटल एपर्चर, एपर्चर का मतलब छेद, बड़े बड़े होटलों में देखे हैं और शादी भी हमें आजकल नौटंकी चलती है कि जहां पर दरवाजा वाला छेद होता है, अरे दरवाजा दरवाजे में छेद होता है ना, तभी तो इधर उधर हो गए यार, वहां पर ऐसे दो दरबान खड़े रहते हैं गार्ड बन के, देखा होगा ना मुझ वैसे ही इन छेद के दोनों तरफ सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेल्स। अलग से बेटा कुछ नहीं बोलना, दिक्कत हो जाएगी, भीड़ में पहले जाओगे अच्छा नहीं लगेगा। स्टोमेटल एपर्चर छेद को बोला, छेद के इधर उधर ये जो दो सेल्स हैं इन्हें बच्चों बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया? गार्ड सेल क्योंकि बिल्कुल छेद के इधर और उधर। अब सुनते जाना मेरी बात, स्टोमेटल एपर्चर प्लस गार्ड सेल इज इक्वल टू स्टोमेटा। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। कुछ प्लांट में, हर प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ प्लांट में गार्ड सेल की अगल बगल जो सेल्स होती हैं, प्लीज सुनना मेरी बात, कुछ प्लांट्स में गार्ड सेल के अगल बगल जो सेल होती हैं, विसिनिटी का मतलब होता है अगल बगल। अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाऊं, जस्ट अ सेकेंड, आई एम फॉर्मिंग 3D डायग्राम, हाउ मच वेरी मच वेरी मच। तो अब क्या है, अरे समझ गया ना, ये लंबी लेयर कर दी है। अब क्या है, गार्ड सेल के अगल बगल की सेल्स क्या होती है? वो चपटी हो जाती हैं। कैसी बेटा? चपटी चपटी। गार्ड सेल के अगल बगल की सेल्स, इन सेल्स को बोलते हैं सब्सिडेरी सेल। कौन सी सेल? सब्सिडेरी सेल। सब्सिडेरी सेल का फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक जानना है, एक से ज्यादा आपको नहीं जानना है। ये बताओ, डेजर्ट के प्लांट को पानी बचाना है या नहीं बचाना है? बताते नहीं यार, बचाना है ना, पानी बचाना है, पानी निकलेगा इसी छेद से, वाटर का लॉस जो होगा भाप के रूप में, सीधी बात है, जब सनलाइट गिरेगी तो पानी का क्या होगा? लॉस। और पानी किस रूप में निकलता है? भाप। लिखो, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर स्टेट, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर स्टेट, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर स्टेट, पानी भाप के रूप में निकलेगा। अरे बताओ यार, जब प्लांट गर्माएगा तो पानी निकलेगा इन छेद से, बताओ। लॉस ऑफ वाटर इन भाप स्टेट, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर स्टेट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब कल से मैं कोट वोट पहन के आऊंगा, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और ब्लेजर डाल के एकदम काला वाला चश्मा लगा के। लेखो बेटा, तुम कहोगे फकीर को क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर स्टेट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन।
इज कॉल्ड, हाँ वही ट्रांसपाइरेशन। फाइसेस के भाई हो गए, फाइसेस तुम्हारे भाई मिल गए, ट्रांसपाइरेशन। आओ बेटा, हो गया, ओए हो गया, ऊपर ऊपर बेटा। जब लाइट गिरेगी, क्या बोला, लाइट गिरेगी तो इन्हीं स्टोमेटा से भाप के रूप में क्या निकलेगा, पानी। भैया रेगिस्तान का प्लांट है, दोपहरिया में इतना घाम होता है, इतना घाम होता है कि प्लांट एकदम चरचराया जाता है। अब सोचो इतना सारा लाइट गिरेगा तो ढेर सारा क्या निकलेगा, भाप। तो रेगिस्तान के प्लांट क्या चाहेंगे, जब इंटेंस धूप हो तो उनके ये छेद बंद हो जाए कि खुले रहें, और अगर खुले भी हो तो बहुत हल्का सा, कि बस कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी थोड़ी सुड़ुक सुड़ुक मिलती रहे, ताकि क्या कर पाए, फोटो सिंथेसिस। अब सुनना, तो क्या करें, ये इन प्लांट्स में क्या हुआ, ये जो अगल बगल की सेल्स हैं ये डिवाइड करके ऊपर आ जाती है। मेरी बात नहीं समझे, ये छेद है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, इधर देखो, इधर ऐसे समझो, ऐसे 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 समझो, ऐसे ये छेद है। अरे यार, और क्या चाहिए जीवन में बेटा। इधर सुनो, इधर हम कह रहे, और इससे कंसेप्चुअल क्या समझा दे भाई, आप और क्या समझाए। अरे हाँ, ये स्टोमेटा का क्या है, छेद, भाप बन के पानी अंदर से निकलेगा, हाँ आ रहा, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ये है स्टोमेटा का छेद। अब उससे कंसेप्चुअल क्या पता है, अगल बगल की सेल जो है सब्सिडरी, गार्ड सेल के बगल वाली बताओ, सब्सिडरी। अगर हाँ देखना मेरा, सब्सिडरी सेल बिल्कुल चपटी चपटी होती है, अगर बहन ये डिवाइड करके ऊपर आ जाए तो छेद नीचे रह गया। अरे यार, अगर सब्सिडरी सेल डिवाइड होकर ऊपर आ जाए तो छेद नीचे रह गया। अरे ये पूरी ऐसी दीवार है, बोलो यार, ये पूरी सब्सिडरी सेल की क्या है, दीवार। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो दीवारों से टकराएगा, वेपर जब दीवारों से टकराएगी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगी, काइनेटिक लूज करेगी, इसका मतलब वेपर कन्वर्ट होगा लिक्विड में। अब लिक्विड प्लांट के पास ही रुक गया, तो बताओ इससे वाटर लॉस बचा या वाटर लॉस हुआ या रुका, एकदम क्लियर। नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा यार, देखो थोड़ा बहुत नहीं, नहीं, नहीं। तो सब्सिडरी सेल डिवाइड करके क्या हो जाती है, ऊपर, हर प्लांट में की डेजर्ट वाले में, डेजर्ट वाले प्लांट में। अब सुनना, छेद और गार्ड सेल मिला के क्या बोला, स्टोमेटा। स्टोमेटा और सब्सिडरी सेल, इन दोनों को जोड़ दो तो बनेगा स्टोमाटल, स्टोमेटल ऑपरेटर्स। पक्का, छेद प्लस गार्ड सेल इज कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा और सब्सिडरी सेल मिलकर स्टोमेटल ऑपरेटर। क्या अब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलते ही नहीं हो यार। अच्छा, और अच्छा बोलो, स्टोमेटा बोलो ही नहीं इसको, इसको पता क्या बोलो, बताओ इसको बोलो स्टोमा, सबसे बढ़िया, क्योंकि एक सिंगल को क्या बोलोगे, स्टोमा। अब मैं इंग्लिश में बोलने जा रहा हूं, ईच स्टोमा हैव गार्ड सेल एंड स्टोमेटल छेदा, एंड स्टोमा प्लस सब्सिडरी सेल, हमेशा की कभी कभी, कभी कभी स्टोमा प्लस सब्सिडरी सेल इज इक्वल टू स्टोमेटल ऑपरेटर। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। आप सुनो, सभी लोग बोलो, ऐसे करो, ये शर्ट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत खराब लगती है, आंख बंद करके नींद में रहते हैं, जो शर्ट मिलती उठा लेते हैं, जो मिलती है, किसी किसी दिन कुछ और ना मिल जाए पहन चले आए। अरे एक बात बता रहा हूँ, इसी गर्मी का मौसम है। हाँ बोलो, बस हो गया बेटा, दिमाग बहक गया, इधर आओ। ये तरीके होते हैं टॉपिक से डाइवर्ट करके नए टॉपिक को शुरू करने के,
सीखो। बोलो सर नमस्ते। हाथ नहीं क्या भैया, कहाँ जोड़ दिए? हाथ है जो, अरे नमस्ते में हाथ जोड़ोगे ना यार, करो ऐसे करो, बोलो सर नमस्ते। बिल पक्का? अरे यार नमस्ते कौन करेगा बे, इनका नमस्ते ऐसे है, इधर इधर सुनो, बोलो सर नमस्ते। स्टोमेटल छेदा, अरे यार, और अगल बगल की सेल कौन सी सेल? गार्ड सेल, और उसके बगल अगर होती तो सब्सिडियरी। जरा छुओ इस गार्ड सेल को, ये पहले बताओ ये, इधर देखते ही नहीं, मम्मी बता देंगे अपनी, वहां गाल खींचते हैं। ये जो है, ओए रुक जा, इधर की जो सेल वॉल होगी, सर सेल वॉल कहाँ होगी भैया, प्लांट सेल है। इधर की जो सेल वॉल होगी वो स्टोमेटा के छेद की तरफ है कि अवे है? तरफ। और इधर वाली? इधर वाली अंदर या बाहर? अंदर, ये भी अंदर। मतलब इनका मानना ही है भैया, हद है यार। इधर वाली? इधर वाली? छू के देखो आज, अंदर वाली पतली मोटी मोटी और बाहर वाली पतली मोटी, और बाहर वाली लेयर क्या होगी? पतली। बोलो भैया मैं पागल हो जाऊंगा, कहना नहीं। अंदर वाली बॉल क्या होगी? मोटी, और बाहर वाली पतली। बुरा तो नहीं माने मेरी बात का? अच्छा लेयर की बात कर रहा हूँ। इधर देखो, इनर वॉल पतली, कहाँ लिखे यार, गार्ड सेल। इनर मतलब टूवर्ड्स छेदा या अवे फ्रॉम छेदा? टूवर्ड्स छेदा। इनर पतली और मोटी, मेरे दिमाग में आ गया, मोटी आउटर पतली, क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया? ए इधर देखो, पहले पढ़ाते थे के प्लस थ्योरी, पोटेशियम इफ्लक्स इनफ्लक्स थ्योरी, जिसमें ये पढ़ाया जाता था कि ये छेद कब खुलेंगे, क्या बंद होंगे, उनकी मैकेनिज्म क्या है। उस समय बताते थे पोटेशियम आगे आगे, पानी पीछे पीछे, तीन पाइप ऊपर एक पाइप नीचे। अब ये बातें नहीं होंगी, अब सीधे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, पूछिए वॉट एंड हाउ मच, ओनली सिंगल लाइन। इधर देखो ये गार्ड सेल है, बोलो सर नमस्ते। ये कौन सा नमस्ते चल रहा भैया, बताओ स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करा कौन रहा है? बताते ही नहीं हो यार। अच्छा अगर छेद बंद हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा या कम? बोलो यार, गैस का आदान प्रदान कौन करवा रहा है? स्टोमेटा का छेद। पक्का? अब कब गैस चाहिए कब नहीं चाहिए, जब नहीं चाहिए तो बंद और जब चाहिए तो ओपन। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? हम आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब, बोलते ही नहीं हो यार। ये बताओ, एक शब्द है मोनोकॉट, एक शब्द है डाइकॉट। मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता, ठीक? अब फर्जी की बातें मत करना, एक आध अपवाद है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओ हीरो इधर, मोनोकॉट चौड़ाई में नहीं बढ़ता, पहली बात अच्छे से जान लो। डाइकॉट चौड़ाई में बढ़ता है, कुछ अपवाद है, फर्जी बातें मत करो। मोनोकॉट में सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होगी, सिर्फ लंबाई में बढ़ेगा, और डाइकॉट, मोनो मतलब ये हो गया सिंगल चेचिस। बोलो बेटा, मोनो मतलब सिंगल चेचिस, और आशीष सर क्या है? डाइकॉट, प्राइमरी ग्रोथ भी किया और भयानक सेकेंडरी ग्रोथ किया। बोलो बेटा ये बताओ, मेरे और आशीष सर में कौन मोनोकॉट है और कौन डाइकॉट है? किसको डंबल मारने की जरूरत है? आशीष सर खाली डंबल मारते हैं, गुल्ला निकलता है इतना बड़ा, हम करते हैं पकौड़ी नहीं निकलती हमारी, तो हमारा सिस्टम ही सारा खराब है लग रहा है। आओ इधर आओ बेटा, डंबल मारने की जरूरत है आपको कि आशीष सर?
आपको बहुत अच्छे बेटा, डंबल शेप गार्ड सेल मोनोकॉट, डंबल शेप्ड गार्ड सेल, डंबल शेप सीधे लिख रहे हैं मोनोकॉट पत्ता। अगर इसकी डंबल हो गई तो बीन शेप्ड, बोल दो यार मर गए हो क्या, बीन शेप्ड डाइकॉट। सुनते जाना, एक एक बात सिखाते जा रहे हैं। पहले बताओ यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है? बताते ही नहीं हो यार, एकदम क्लियर, कोई डाउट और तो नहीं, एकदम लॉजिकली क्लियर है सब कुछ। स्टोमेटा स्टेम पे भी होगा, लीफ पे होगा, किस पे ज्यादा होगा? लीफ। क्यूटिकल दोनों पे होगी, किस पे मोटी होगी? लीफ। एपिडर्मिस कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस, इसकी वजह आपके सिलेबस में नहीं है जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूं, वजह आपके सिलेबस में 1% भी नहीं है। कहोगे तो मुंह फाड़ दें और उस चीज को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और बहुत महत्वपूर्ण है गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट का होना। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और बेहद महत्वपूर्ण है वहां पर क्लोरोप्लास्ट का होना। अब आपके मन में अगला प्रश्न आ चुका है, मुझे पता है भाइयों बहनों, आपके मन में आ रहा है कि एपिडर्मिस में तो बड़ी बकैती बता रहे थे आप कि सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। एक बार इधर समझाएं, फिर ऐसे समझाएं, फिर ऐसे समझाएं, फिर आगे बढ़ के समझाएं, तो गार्ड सेल भी तो सर ऊपर ही है। सुनिए, मुंह ना फाड़िए, इधर देखिए। हेलो, हाय हाय नहीं, एपिडर्मिस ऐसी है, लेटी लेटी, गार्ड सेल खड़ी है, और जो सेल खड़ी है उस पर सनलाइट इंटेंसिटी हो जाएगी कम। शुभ्रा, यस सर, हम सेल हैं, हम सेल हैं, पक्का समझना मेरी बात। और ये ऊपर लगी लाइट मान लो क्या है, सनलाइट। अगर मैं लेट जाऊंगा, अगर मैं लेट गया तो बताओ एरिया ज्यादा या कम, लाइट पड़ेगी। और अगर मैं खड़ा हो गया तो अब लाइट पड़ेगी कम। समझ पाए हमारी बात? आओ मुन्ना, तो गार्ड सेल में छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्या बना दो, क्लोरोप्लास्ट। बोलो क्लोरोप्लास्ट, एकदम क्लियर है यहां तक बात? आइए, मैंने आता ही कहा था ना, एपिडर्मिस अलग बात है, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम अलग बात है। एपिडर्मिस तो इस लेयर को बोल दिया, टिश्यू सिस्टम में देखो कितनी चीज आ रही है, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल। बोलो यार, गार्ड सेल हो गई, सब्सिडियरी सेल हो गई, आपका क्यूटिकल हो गया। बोलते ही नहीं हो यार, नाराज हो जाएंगे, और एक बार नाराज हो जाते मानते नहीं बेटा हम जल्दी, बहुत नकरीले हैं, तुम मना लोगे। हम जिस चीज से मानेंगे ना डबल चीज मार्गरेटा विद लोडेड चीज विद चीज बस्ट, ऊपर से ओनियन कैप्सिकम की टॉपिंग, साथ में चीजी डिप, और अगर चोकोलावा केक है तो अच्छा लगेगा मुझे। आओ, ए ए, अरे दिख 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 दिख, अरे जबे सुनो, ए सुनो, तो रूट पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। पानी मिनरल कब एब्जॉर्ब होगा, जब सरफेस एरिया कम होगा या सरफेस एरिया ज्यादा? तो बेटा रूट की सेल को खींच के हमने निकाल दिया चोचा, एंड दिस चोचा इज कॉल्ड रूट हेयर, इट्स वाओ। ये बताओ चोचा ब्रांच दिख रहा है कि अनब्रांच? अनब्रांच, अनब्रांच, यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। कुछ गधे इसमें भी बैठे हैं जो ट्रिक बनाएंगे, यू यू गधा, यूनिसेलुलर। आपने कभी गौर से प्लांट को देखा है? गौर से मन लगा के देखा है प्लांट को? कुछ प्लांट के जो स्टेम होती है और जो लीफ होती है उस पर रेशे निकले होते हैं, वो रेशे आंखों से दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। रूट हेयर नहीं दिखेगा आंखों से, क्योंकि रूट हेयर मात्र एक सेल का खिंचाव है, एक सेल का घंटा दिखेगी, एक सेल का खिंचाव थोड़ी दिख जाएगा तुमको,
रूट हेयर नहीं दिखेगा, लेकिन स्टेम हेयर दिख रहा है। अगर स्टेम हेयर दिख रहा है इसका मतलब वो क्या है, मल्टी सेलर, रटना ही नहीं है, लीफ पे पाया जाएगा, स्टेम पे भी, लीफ पे जगह नहीं इस वजह से स्टेम पे बनाया जा रहा है। ये कैसा ब्रांच की अनब्रांच, कहां ब्रांच, अब क्या हो गया ब्रांच, ये दोनों हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी। इन्हें मोहब्बत से कहेंगे हम लोग बच्चों स्टेम हेयर, मारिस स्टेम हेयर को हम लोग ट्राइकोम भी बोलते हैं, यूनी की मल्टी, मल्टी मल्टी सेलर, साथ में ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी। जब दोनों हो सकते हैं तो याद ही नहीं करना, बहुत ऐसी बात एनसीईआरटी ने लिख दी ना, मेरी आंखें पीतल हो गई। कहते हैं ये सॉफ्ट भी हो सकता है और कड़ा भी हो सकता है, तो भैया अध सॉफ्ट या अध कड़ा क्या होता है, या तो कोई चीज सॉफ्ट है जैसे मेरी वॉइस, बहुत सॉफ्ट नहीं मेरी वॉइस, कड़ी है, या तो कोई चीज सॉफ्ट होगी या तो कोई चीज कड़ी होगी। अब ये भी याद करोगे कि सॉफ्ट भी होगा और कड़ा भी होगा, बिल्कुल नहीं, सीधे सीधे दिमाग में रखो बस स्टिफ या सॉफ्ट। इसकी भी कुछ लोग ट्रिक बनाएंगे, ऐसे ऐसे बैठे हैं यहां पे, हमें पता है। आओ अगला, यार एक बात बताओ भाई, भाई जी, भाई जी, स्टेम और लीफ पर क्यूटिकल तो पाई जा रही है, स्टेम और लीफ पर क्यूटिकल तो पाई जा रही है, हम सोच रहे थे अगर थोड़ा वैक्स और चढ़ जाए तो मेरा मानना वाटर लॉस अच्छा खासा रोक लेंगे। That's why कहते हैं ट्राइकोम कुछ वैक्सी मटेरियल निकालता है। अगर कोई चीज को सिक्रीट कर रही है, अगर कोई चीज को सिक्रीट कर रही है वैक्सी सब्सटेंस, तो बताओ वैक्सी सब्सटेंस निकालेंगे तो अब लेयर और मोटी हो जाएगी कि और पतली, और मोटी, तो अब बोलूंगा सिक्रीटरी होता है, सिक्रीटरी अर्थात कुछ सिक्रीट करेगा एंड प्रिवेंट, रोक देगा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का लॉस, वेपर या सॉलिड, बोलो भैया वेपर। क्या इतनी बात एक एक बच्चे को क्लियर हो गई है, बोलते ही नहीं हो यार, पीछे वालों क्या कर रहे हो भाई, कर क्या रहे हो बताओ मेरे भाई, एनाटॉमी है, इससे ज्यादा कंसेप्चुलाइज नहीं की जा सकती है, इससे ज्यादा अगर मैं कंसेप्चुलाइज करूंगा तो तब करूंगा जब किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, आपके लेवल पर ही हाइपर कंसेप्चुलाइजेशन है। अब ईमानदारी से पहले बताओ कि यहां तक का लॉजिक एकदम क्लियर है, yes, sir। अगर आप एनाटॉमी रटने की कोशिश किए तो आपका काम लग जाएगा, रटी नहीं जा सकती एनाटॉमी, सिर्फ समझना है, सोचना है। अब बैठ के एक बार सब कुछ एक बार सोचा जाए, चलो साथ में सोचेंगे, रूट है, स्टेम है, लीफ है, रूट पे क्यूटिकल नहीं, पानी अंदर नहीं जाएगा, स्टेम और लीफ में ज्यादा सनलाइट का सामना लीफ करेगा, तो लीफ पे क्यूटिकल हम लोग मोटी कर देते हैं और स्टेम पे क्या कर देते हैं पतली, और साथ में वहां पर हेयर भी है, लीफ हेयर और स्टेम हेयर, दोनों को ट्राइकोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्राइकोम। सिक्रेटरी है तो कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगा, लेयर क्या हो जाएगी और मोटी, बोलते ही नहीं हो यार। मोनोकॉट और डाइकॉट में, मोनो मतलब सिंगल चेचिस, इसको चाहिए होगा क्या करने को, डंबल, तो मोनोकॉट में गार्ड सेल डंबल शेप, वहीं पर डाइकॉट में बीन शेप, गार्ड सेल की अंदर वाली लेयर मोटी और बाहर वाली लेयर सेल वॉल की पतली। अच्छा, गार्ड सेल और स्टोमेटल एपर्चर मिलकर कहलाए थे स्टोमा, स्टोमा स्टोमेटा का सिंगुलर है, स्टोमा के अगल बगल की कभी कभी जो विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब अगल बगल की सेल है वो डिवाइड करके ऊपर हो जाएंगे, जिससे वाटर लॉस ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, स्टोमेटा अंदर रह गए, अंदर धसे रह गए, जब स्टोमेटा अंदर धसे रह जाते हैं इसी को बोलते हैं संकेन स्टोमेटा, कैसा संकेन, संकेन मतलब धसा हुआ। अच्छा अगला, अगर मैं बात करूं रूट हेयर यूनिसेलुलर था, अनब्रांच था, इससे मेरे तो दोनों यार, ब्रांच भी, अनब्रांच भी, स्टिफ भी, लूज भी, तो उसे याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्रेटरी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद सब्सिडरी सेल प्लस स्टोमा दोनों मिलकर कहलाएंगे स्टोमेटल ऑपरेटर्स। एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं क्योंकि वो जल जाएगी, लेकिन एपिडर्मिस को क्रॉस करते करते जब हम अंदर मीजोफिल की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट थिन वॉल्ड होगा क्योंकि वहां पर लाइट इंटेंसिटी कम हो गई। साथ में अगर हम बात करें एपिडर्मिस की तो एपिडर्मिस कंटिन्यूअस है, इसके साथ साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लंबी सेल से क्योंकि पूरे प्लांट को कवर करना है, भाई सनलाइट का सीधा सामना कर रही है तो वाटर का लॉस होगा ज्यादा, इस वजह से इमरजेंसी कंडीशन के लिए वैक्यूल का साइज क्या है, बड़ा,
वैक्यूल का साइज बड़ा होगा तो साइटोप्लास्ट कहाँ चला जाएगा? पेरीफेरी पर। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी 11th में चीज सोची थी कि एनाटॉमी इतनी कंसेप्चुअल होती है? ईमानदारी से हमने भी नहीं सोची थी, हम खुद नहीं सोचे थे, हम बता दें, हमें ये पता था कि अगर साइंस है तो भाई कंसेप्ट है, बगैर कंसेप्ट के कोई चीज साइंस में खड़ी नहीं होती है। तो मुझे जब तक कैथरीन इशू और मेरा सामना नहीं हुआ, हम लोग का आमना सामना हुआ था भाई, ये राइटर की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप उससे बात कर रहे हो, राइटर अपनी बात लिखता है ना, आपसे बात करता है, ये फील नहीं करते हो? अगर आप एक बुक पढ़ लो तो राइटर आपके सामने बैठा है, आपसे बातें कर रहा है, अपनी बातें शेयर कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। कैथरीन इशू ने इतना सिस्टमैटिक लिखा भाई जी, इतना सिस्टमैटिक लिखा, मतलब एनाटॉमी की पितामह कहलाती हैं कैथरीन इशू। अर्थात उन्होंने एक नया रूप ही दे दिया एनाटॉमी को, सोचने का नजरिया ही बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए यार। अब पहले बताओ यहां तक सब एकदम क्लियर हो चुका है? ए लीप और स्टेम में स्टोमेटा किस पे ज्यादा? लीप पे। एक गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है ना, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि उसका फंक्शन क्या है, मैंने बस ये बता दिया क्लोरोप्लास्ट है और चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सेल कैसी है? खड़ी खड़ी। एकदम क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार, ओवर एंड आउट। अब बेटा मेरी बात सुनो, आओ, ये था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये जितनी बातें हुई ये सब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे हुई और कहानी इसकी हो गई पूरी खत्म। तीन टिश्यू सिस्टम होते हैं प्लांट में, चाहे स्टेम पढ़िए चाहे रूट पढ़िए, सुनिएगा लेक्चर अब आगे कंटिन्यू हो रहा है, चाहे स्टेम पढ़िए चाहे रूट पढ़िए चाहे लीफ पढ़िए, आपको मजेदार बात क्या है, तीनों में तीन ही टिश्यू सिस्टम मिलता है, जो सबसे बाहर वो क्या कहलाएगा? एपिडर्मल। अब एपिडर्मल के मैं अंदर जा रहा हूं, इधर देखिएगा, मान लो मैंने एक सर्किल बना दिया और ये हो गया एपिडर्मिस की सेल, ठीक, ये किसकी सेल हो गई? एपिडर्मिस की। देखते जाइएगा, ये एपिडर्मिस की सेल, बेटा बोलिए नहीं, ये हो गया आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो अंदर खूब सारा भरा होगा वो कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आपको पता है क्रिकेट स्टेडियम को ग्राउंड कहते हैं? अरे यार, क्योंकि अगर आप स्टेडियम कभी स्टेडियम देखे हो? हम देखें। अगर स्टेडियम देखिए आप पवेलियन से बैठ के, ऊंचाई से बैठ के देखिए, तो स्टेडियम में बड़ा सा क्या दिखता है? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जो चीज ज्यादा मात्रा में हो। एनसीईआरटी बड़ी सुंदर बात लिखती है और इस पर क्वेश्चन भी नीट वाले बना देते हैं, नीट ने क्वेश्चन भी बनाया, कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं? कहते हैं एपिडर्मल हटा दो, वेस्कुलर टिश्यू हटा दो, तो जो बचा वो ग्राउंड टिश्यू। वाह भैया वाह, पहला तीसरा हटा दो तो दूसरा, हम तो कहेंगे दूसरा तीसरा हटा दो तो पहला दूसरा हटा दो तो तीसरा, तीने हैं एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब मैंने आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बताया था, वेस्कुलर का मतलब होता है पाइप। जाइलम और फ्लोएम किस में आएंगे? वेस्कुलर में। कहते हैं एपिडर्मल हटाओ, जाइलम फ्लोएम हटाओ, उसके अलावा जो कुछ पढ़ो वो सब क्या है? ग्राउंड। अब सुनते जाना मेरी बात, मतलब बीच में जो कुछ माल भरा होगा वो क्या कहलाएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या ये बात एकदम क्लियर है बेटा? बोल दो यार। अब बचा कौन सा? वेस्कुलर। वेस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में प्लीज सुनो मेरी बात, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट कहने का मतलब कहां कहां पर ये अरेंज है। अगर स्टेम की बात करें, रूट की बात करें और लीफ की बात करें, एक चार्ट बनाऊंगा उसमें सब खत्म होगा। जाइलम और फ्लोएम का आपसी अरेंजमेंट क्या है? क्या जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में रखे हैं या जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस में रखे हैं? इस आधार पर हमने अरेंजमेंट ऑफ, देखिए बोर्ड की तरफ, अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के आधार पर, याद रखना बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीन ही प्रकार की सेल हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट में दो होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने प्रकार के? दो, जाइलम और फ्लोएम।
अरेंजमेंट ऑफ जाइलम और फ्लोएम के आधार पर तीन तरीका का अरेंजमेंट देखा गया। पहला देखा गया रेडियल, नाम से पकड़ेंगे। दूसरा कंजॉइंट, नाम से पकड़िए, जॉइंट मतलब जुड़े हुए हैं, जाइलम फ्लोएम आपस में जुड़े हुए हैं। पहला क्या हो गया रेडियल, दूसरा क्या हो गया कंजॉइंट, और तीसरा हो गया कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब आपको पता होगा, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाता है तो एक सड़ा सा सवाल लगवाया जाता है कि एक स्फीयर के अंदर एक स्फीयर रखा है। बोलो यार, दोनों कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक का मतलब दो ऐसे सर्किल जिनका जिनका सेंटर क्या है, सेम। पक्का सेम सेंटर से खींचे गए दो सर्किल क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक। अब देखते जाओ बेटा, एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात कहता था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, इंसान अंदर से कैसा भी हो बाहर से बहुत अपने आप को क्या दिखाता है, अच्छा। हर इंसान बाहर अपने आप को क्या पोल्ट्रे करता, अच्छा। उसे ये नहीं पता होता है, पूछो क्या इस दुनिया में कुछ समझदार लोग भी हैं। समझदार कहने का मतलब जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको देख के ही पकड़ लेंगे कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। वो आपकी निगाहों से ही सब कुछ थाम लेंगे, सब कुछ। आप अंदर से कितने भी जलील हो, क्या बेटा, लेकिन हाँ जलील, लेकिन बाहर से बहुत नादान बनोगे, ओ माय गॉड, आउच, नो, यस। देखा होगा ना, देखा होगा ना बेटा, बोलो जलील जाइलम, हमेशा अंदर, और नादान फ्लोएम बाहर। चाहे कोई भी केस ले लो, सबसे पहले कंसेंट्रिक देखेंगे क्योंकि ये हमको पढ़ना नहीं है। जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, दोनों का सेंटर सेम, एकदम क्लियर। अब देखेंगे रेडियल, बोलो रेडियल। जब हम रूट काट के देखते हैं, इधर ओए पागल औरत, इधर, जब हम रूट काट के देखते हैं तो रूट में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे रखे हैं। मान लो जब मैं रूट को काट के सामने से देखूंगा, रूट को काट के सामने से देखूंगा तो जलील जाइलम किधर होता है, अंदर, और नादान फ्लोएम कहां होगा, बाहर। जलील कौन बेटा, जाइलम, अंदर की तरफ, और फ्लोएम बाहर। बताओ जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे है कि अलग अलग, अलग अलग, एकदम क्लियर। बोलो आर से रूट, आर से रेडियल, खत्म। रूट रेडियल का एग्जांपल क्या हो गया, रूट। अब चाहे मोनोकॉर्ड बोलो या डाइकॉर्ड। अब बात करेंगे कंजॉइंट, कंजॉइंट का मतलब जुड़ा हुआ। बोलते ही नहीं हो यार, बोल क्यों नहीं रहो भाई, बोला करो यार। कंजॉइंट का मतलब जुड़ा हुआ, पक्का। अब इधर देखो, कितना बना लिया, ड्रॉ करो वरना बाद में तुम्हारे लिए हेक्टिक हो जाता है। और मैं हूं नादान फ्लोएम, नहीं चलो हम जाइलम, हाँ इधर आओ। अरे अच्छा, इधर आओ, ये वही है, अंदर से जलील जाइलम और बाहर से बनते नादान फ्लोएम। थोड़ा दूर हो, हम मान लो जाइलम है, क्या है, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम। अगर जाइलम फ्लोएम आपस में चिपके हुए हैं, बताओ एक रेडियस में है कि अलग अलग, एक। हम लोग आपस में जॉइंट है, क्या है, जॉइंट, जॉइंट है तो क्या कहलाएंगे, कन जॉइंट, पक्का। क्या अगल बगल है, क्या हम लोग साथ में है, क्या लकी हो बेटा, बहुत समझ रहे हो, किस्मत किस्मत लेके आए होगे। हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, कंजॉइंट, पक्का। और अगल बगल जुड़े हुए हैं, बोलो यार, बोलो को, कंजॉइंट तो है, कंजॉइंट के साथ साथ जुड़े तो हैं, कंजॉइंट के साथ साथ को, मतलब साथ साथ, जहां लड़का लड़की साथ साथ पढ़ते हैं को एजुकेशन, और अगल बगल जुड़े हुए हैं तो को लेटरल। आओ, इस समय को लेटरल नहीं है बेटा, इस समय मैं बहुत अच्छी अवस्था में हूं, इस समय मैं बाई को लेटरल हूं, अर्थात दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। बोलो यार,
ये क्या था? कोलेटरल। ये क्या था? बाई कोलेटरल। बोलो इतनी बातें क्लियर है? तो बेटा कंजॉइंट कितने प्रकार का हुआ? दो। एक है कोलेटरल और एक है बाई कोलेटरल। कोलेटरल और बाई कोलेटरल। बाई कोलेटरल पहले बनाऊंगा क्योंकि इसको पढ़ना नहीं है। जाइलम बीचो बीच, फ्लोएम अगल बगल। जाइलम बिल्कुल सैंडविच बन गया है। ओ माय गॉड। और कोलेटरल देखिए, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर। जाइलम हमेशा अंदर। बाइकोलेटर बना के कट भी कर देना। अपने दोस्त को बता देना, कहना ये सबने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से कट कराया। ये पढ़ो बाकी छोड़ दो। जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे की अलग अलग बोलते ही नहीं है यार। सेम रेडियस पे जाइलम हैंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस। हाँ लिखो कैम्बियम। लिखो मेरिस्मेटिक सेल्स की, मेरिस्मेटिक सेल्स की वाओ इट्स शाइनिंग हो गया। मेरिस्मेटिक सेल्स की सिंगल लेयर जो प्लांट में सर्कुलर वे में चारों तरफ पाई जाएगी। बेटा इधर देखो, मान लो ये स्टेम है। क्या है? स्टेम। और अगर मेरिस्मेटिक सेल की लेयर चारों तरफ पाई जाएगी और ये अगर डिवाइड करेगी तो लेयर बढ़ेगी एक से दो, दो से चार, तो बताओ प्लांट चौड़ाई में बढ़ेगा कि लंबाई में? चौड़ाई। ये मैं ऐसे कर रहा था इस वजह से चौड़ाई में। अच्छा लिखो, जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी। ए एंजियोस्पर्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो, मोनोकॉट और डाइकॉट। जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी, बच्चों बोर्ड की तरफ देखिए। पहले बताओ जिसको मैं ले रहा हूं इस समय, ये कंजॉइंट है क्या? कंजॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम आपस में जॉइंट है। कंजॉइंट में भी ये कोलेटरल है। को मतलब साथ साथ। अगर कैम्बियम पाई गई, हाथ देखना मेरा, सिंगल लेयर की डबल लेयर, सिंगल। अगर कैम्बियम पाई गई तो इस तरीके को बोलते हैं ओपन, और अगर कैम्बियम अब्सेंट है तो इसे क्या बोलोगे? क्लोज। ये बताओ अगर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है और कैम्बियम है ही नहीं। क्या बोला? कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है और कैम्बियम है ही नहीं, तो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में कैम्बियम क्या होगी? अब्सेंट। लिखो एग्जांपल, डाइकॉट में होती है तो डाइकॉट स्टेम लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया? मोनोकॉट स्टेम। इसके साथ साथ लीफ में भी कैसी होती है? क्लोज्ड। क्या लीफ को कभी देखा चौड़ाई में बढ़ते हुए, मोटाई में बढ़ते हुए देखा? बोलो यार, बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग यार, बोला करो, बैठा ना करो यार, लगातार बोलते रहो, पगलाते रहो। बेटा बायोलॉजी में अधिकतर चीजें क्या है? थिन। लिखिए अब, एनी पार्ट ऑफ मोनोकॉट। हाँ अलग से नहीं बेटा, जो लिखा उसी के ऊपर चढ़ा दो। एनी पार्ट ऑफ मोनोकॉट एंड लीफ ऑफ एनी प्लांट नेवर शो सेकेंडरी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ना ना यही सही है, नेवर शो सेकेंडरी ग्रोथ। अब इसी को उल्टे तरीके से लिखो। लिखो सेकेंडरी ग्रोथ इज शोन बाय
स्टेम एंड सम टाइम रूट ऑफ डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। देखो अगर आप अलग अलग पढ़ते हो, डाइकॉट स्टेम अलग, डाइकॉट लीफ अलग, डाइकॉट स्टेम अलग, मोनोकॉट स्टेम अलग, डाइकॉट रूट अलग, मोनोकॉट रूट अलग, डाइकॉट लीफ अलग, मोनोकॉट लीफ अलग, अगर आप अलग अलग पढ़ते हैं तो आप बेवकूफ हैं। अलग अलग नहीं पढ़ना, एक पढ़ना है, दूसरे को कंपेयर करना है। एक पढ़ना लिए, देख लीजिए डाइकॉट स्टेम पढ़ लिया तो अब देख लेंगे मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। डाइकॉट लीफ पढ़ लिया, मोनोकॉट लीफ देख लेंगे क्या है। मोनोकॉट समझ गए ना मेरी बात? Yes, sir. तो हमें ओवरऑल पढ़ना क्या है, डाइकॉट और मोनोकॉट। बेटा झिल रहा है ना? कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं अब रुक जाइए, आज की बात है यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।